या चलो आप लोग टायर्ड से लग रहे हो थोड़े से टायर लग रहा है ना इसीलिए चाय मंग रहा है उसका जुगाड़ है भाई प्लीज निकाल दो भाई कड़क चाय लेके आए आपके लिए लेजेंड दिल्ली की कड़क कुल्लड़ चाय से मेरे को लगा आप लोग बहुत टाइम से इंटरव्यूज दे रहे हैं ऐसे रेस्टोरेंट कुल्लड़ चाय इज अ कलकत्ता फिनोमेनन हां लेकिन अभी दिल्ली में सर सर्दियां आ गई हैं पंकज सर चीयर्स चीयर्स मेरे भाई चीयर्स कड़क सिंह के लिए जी चीयर्स है सबको चीयर्स ऑन दिस नोट गाइस चीयर्स बोलेंगे या चायर्स बोलेंगे चायर थैंक यू सो मच आशीष भाई क्या बात है पंकज सर ने तो अभी टच नहीं किया है अभी अभी करूंगा ना सर मैं एक हमारे मित्र का मैसेज आ गया जरूरी है तो उनको भेजना हो गया कड़क सिंह के बारे में बात करने के लिए पूरी मीडिया यहाँ पे है सो आपके चेहरे ही बता रहे थे मेरे को लगा एक चाय बनती है शादी हो गई है दिखाई दे रहा सर परसों ही एनिवर्सरी इस दिन आपकी तो ये अपना एनिवर्सरी गिफ्ट समझना हमारी तरफ से पति पत्नी दोनों उस दिन कहीं बाहर मत जाना घर ही में पिक्चर देख आराम से बैठना है कितना टाइम आप पूरे दिन में फोन पे स्पेंड कर रहे हैं शूटिंग जिस दिन होता है उस दिन 30-40 मिनट और जब शूटिंग नहीं होता है तो 1.5-2 घंटा बहुत ही बढ़िया उससे इसका 9.5-10 घंटे कम से कम हर दिन का हमारा काम है ना यार उसपे समझना पड़ेगा ना दुनिया हमारा भी तो काम है उसपे हमारा भी काम आपका थोड़ा बड़ा कहाँ पे काम है हमारा कहाँ जुबान चला रहा है आपका कितना स्क्रीन टाइम होगा ये ऑनेस्टली बताना है I am luckily not a I don't scroll like mad शूट के दिन तो मुझे मन ही नहीं करता है फोन देखने का बाकी दिनों पे कभी कभी वाटसी लग जाती है 4-5 घंटा नहीं अरे नहीं 2 मैक्स शूट के टाइम मैं भी मैं नॉट स्क्रीन टाइम मैं कॉल भी नहीं लेता हूँ बातचीत भी नहीं वो तो सर बता पाएंगे अच्छे से ऐसे मैं सुबह से रात ऐसे ही नहीं यूज करता नहीं नहीं पूछ लो किसी डायरेक्टर को मेरे सेट पे मेरे हाथ में मोबाइल शूटिंग में दिख ही नहीं सकता मैं सुबह लाके बंद करके रख देता हूँ मेरी बीबी को पता है कुछ इमरजेंसी है तो किससे संपर्क करना है मेरा फोन बंद व्हाट्सएप है ही नहीं मेरे फोन में क्या बात लो फोन चेक कर लो लो भाई भाई फोन चेक ही कर रहा है सर बोल रहे हैं मैं एक बार चेक भी देख लो पूरी जनरेशन सीख लो कुछ भाई पूरे टाइम तुम्हारे हो जाता है ना मेल पे हो जाता है आई मैसेज पे हो जाता है काम अगर कुछ जरूरत पड़ी तो सर ऑनलाइन पेमेंट या फिर कैश पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई ऑनलाइन सेफ्टी का मैं इसलिए मैं एक्चुअली मेरे पे था मैं बोला नहीं मैंने कहा चलो रहने देते हैं बट हाँ नहीं यूपीआई ऑनलाइन सेफ्टी किसी भी अनजान लिंक पे कभी क्लिक ना करें और ओटीपी तो बिल्कुल ना शेयर करें बिल्कुल ना शेयर करें अपने बैंक डिटेल्स सोशल मीडिया पे कभी ना डालें ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग मैं तो कोई नहीं करता हूँ ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन इतने फिट फॉर कपड़े हैं सर कैसी बात करो कैसे आ रहे तो भाड़े के हैं बैठा है उधर भी सर दिल्ली से निकलते ही कपड़े चले जाएंगे आप ये कह रहे हो दिल्ली से भी नहीं अभी होटल में भाई होटल में मुझे सुबह आते पता नहीं था मैं कि मुझे क्या पहनने को मिलेगा 8 बजे मैं रात को 2:30 बजे आया हूँ और हम 2 दिन से लगे सर कल खरीद के लाए से 2:30 बजे मेरे को बोला सर का इंटरव्यू करने में 2 दिन से मॉल में घूमो एक टी शर्ट लेके आनी है बढ़िया थैंक्स बात ही खत्म हो गई अब नहीं नींद आएगी सर तो आपने डायरेक्ट करी है मूवी कड़क सिंह तो हमने ट्रेलर तो देखा ट्रेलर से हिंट्स मिले हमें तो 4 कहानियां हैं समझ में आ गया कि कोई एक कहानी सच्ची होगी बट एग्जैक्टली जिस्ट क्या अगर आप थोड़ा समझा पाए इट्स अ थ्रिलर इट हैज लॉट ऑफ लेयर्स लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स एंड लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स लाइक हमारा जिंदगी में बहुत सारी पर्सपेक्टिव है आपको गेस करना है क्या हो रहा है सर आप बुरा मत मानना मैं डायरेक्टर डायरेक्टर का बिल्कुल पता नहीं लगता अगर आप हो ना सच में तो मेरा सफल हो जाता है मैं सर 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 इसको सर उधर से ही निकाल सकते हो मैं इधर मेरे लिए ऐसा नहीं मानता मैं डायरेक्टर भी देख नहीं पंकज सर में मेरा सच में एक एज है हालांकि मैं बराबर में सर के बैठा हूँ पर मैं आप में नहीं देखता कि भाई पंकज सर हैं तो मेरा काम हो गया दूसरा एक इंसान फुकरे में आता है गुड़गांव मूवी में आते हैं सिंह साहब बन जाते हैं फिर कालीन भैया बन जाते हैं क्या चिप सेट कर दिया है सर ये चिप जो है यही आप मंडी हाउस सर्कल पर भगवान दास रोड में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की जगह है वहीं पे ये चिप बनती है और हिंदुस्तान में हमारे वक्त सिर्फ 20 लोगों को लगाई जाती थी पर सर ज्यादातर लोगों के मदरबोर्ड फूक जाते हैं तो मैं अभी श्रीवास्तव जी जो है इस मूवी में उनकी बात करना चाहूंगा कड़क सिंह की बात करना चाहूंगा ये कैरेक्टर को अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सके पंडित जी से श्रीवास्तव जी का जो ये ट्रांजिशन हुआ है बहुत फर्क है दोनों में ये पंडित तो जुगाड़ू आदमी है चतुर आदमी है दया बाया करता है ये बहुत सिंसियर व्यक्ति हैं स्ट्रिक्ट हैं वर्कहोलिक हैं अपने काम को लेके बहुत पैशन वाले आदमी हैं
और ईमानदार हैं, और अचानक एक घटना होती है और इनका इनके जीवन का कुछ 10-12 साल भूल जाते हैं। अपनी बेटी को बोलते हैं, यार तुम मेरी बेटी हो, मुझे तो मेरी तो कोई बेटी ही नहीं थी। ऐसे सिचुएशन में दादा ने हमें डाल दिया था बतौर एक्टर, जो उनकी राइटिंग थी, कि अब सोचो और करो तुम लोग। मुद्दा बस ये है, सर के साथ काम किया आपने, तो क्या इस इंसान में ऐसी क्या चीज लगी जो ऐसा लगता है कि सब एक्टर में एक चीज तो ये होनी चाहिए? बहुत अच्छा मोमो खिलाते हैं। मेरे घर का मोमोज बहुत, क्या बात है, क्या बात कर रहे हो, क्या बहुत अच्छा लिट्टी मिलना चाहिए सर, मोमोज कहां से आ भाई, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो, एक्टर कैसा है तो पूरा दुनिया जानता है। बहुत अच्छा मोमो, बहुत अच्छी चाइनीज, बढ़िया फ्राइड राइस, चाइनीज बहुत अच्छा बनता है, अच्छा रोटी सब्जी और रोटी का ऊपर घी, वो डाल के जब आता है ना, और दाल कटोरी पे, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन पंकज सर, खाने पीने की बात हुई, आप 2 महीने दिल्ली भी रहे हैं, गीता कॉलोनी। मैं भी दुशाद गार्डन रहता हूँ सर, पास पास ही है। तो गीता कॉलोनी का आप सबसे ज्यादा क्या फेमस, मतलब मिस करते हैं इस टाइम? तो हम रहते थे जिस इमारत में, उसके पास दाहिनी तरफ सितार वादक थे, एक बहुत बढ़िया सितार बजाते थे रात को, वो सुलाते थे हमें, और सुबह सामने एक लाफ्टर क्लब होता था सामने वाली छत, अचानक हा 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 तो वो उठाते थे। तो गीता कॉलोनी के यही आदे हैं कि सितार वाला सुलाता था और लाफ्टर क्लब वाले जगाते थे। पंकज सर के साथ जो है सब करना चाहते हैं काम, सभी करना चाहते हैं, पंकज सर किसके साथ काम करना चाहते हैं? मैं भी सबके साथ। अरे सर ये घुमा दी बात। नहीं घुमा नहीं दी, मतलब ऐसा कोई मेरा लिस्ट नहीं है कि ये डायरेक्टर बचे हुए हैं, मैं जिनके साथ करना चाहता था सबके साथ कर लिया। किस्मत ही अच्छा है, संयोग से बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं, किसी ने मुझे ठगा नहीं है। जिन 2 प्रोड्यूसर ने मेरे पैसे रख लिए, नहीं लौट दिए, वो नुकसान में चल रहे हैं। नहीं, क्योंकि उनकी फिल्म ही रुक गई थी, तो मुझे लगा बेचारा सामने, इसको क्राइसिस है तो मैं क्यों इसको बोलूं कि खराब आदमी है। किसी ने तो आपके पैसे मारे होंगे। किसी ने 10-15 हजार दो नहीं, बहुत छोड़ो, मतलब बहुत लोग किए, लेकिन वो सब नीडी लोग थे, जरूरतमंद लोग थे, छोड़ दिया सर ने, वो उनके हिस्से का था, ईश्वर ने मेरे जेब में दे दिया था, उनको दे दिया, वो रख लिए, मैं भी भूल गया। फॉलो अप लेते हो आप वैसे? नहीं बिल्कुल नहीं, काहे को लेना। फोन एक्चुअली क्या ना, हमारी भी सैलरी रुकी हुई है, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। नीडी देख लो आप ऐसी शक्ल में। नहीं यार नहीं, आप हमारे लिए होते और परिचित होते कहीं से, और मुंबई में होते, आपके क्राइसिस में बिल्कुल मैं खड़ा रहूंगा। 3 फैक्टर्स जो है उस पे मुझे काम करना है। मुंबई पहुंचना है, सर का दोस्त बनना है और परिचित हो जाना है। सर ये खन्ना है, रेड एफएम से बढ़िया पैसा ले रहा है। अच्छा ये शादियों का सीजन है दिल्ली में, क्या होता है ना, बिग फैट वेडिंग्स होती है, तो यहाँ पर ना इन्वाइट्स आते हैं, तो आपके पास आते हैं कि सर इतना पैसा ले लो, आ जाओ हमारी शादी में आ जाओ? मुझे आया था, 2 आया था, पहले मना कर दिया कि मैं करूंगा क्या। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है ना, बरवो के भाई ना कनियो के भाई, वर मतलब दूल्हा और कनिया मतलब दुल्हन। ना मैं दुल्हन का भाई हूँ, ना मैं दूल्हे का भाई हूँ, पैसा लेके क्यों आऊँ शादी में, मैं क्या करूंगा उधर, मुझे मिमिक्री करने आता नहीं है, गाना गाने आता नहीं है। बट सर आप अगर डायलॉग भी बोल देंगे 4 तो ऐसा लगेगा कि अरे भाई, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सिर्फ पैसे के लिए, वो मुझसे नहीं होगा, तो गाड़ी तक तो नहीं होगा। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक। 2011 रॉकस्टार, 2023 कड़क सिंह, ये दिल्ली से मुंबई तक का सफर आपका, अगर मैं कहूँ कि आपको समराइज करना है तो कैसा रहा ये? तो बहुत ही लंबा सफर रहा है, बट अगर ऑनेस्टली बताऊं तो आई फील लाइक इट्स बीन 2 चैप्टर्स टू द जर्नी ऑफ एक्टिंग। क्योंकि जब आप 13 साल की उम्र में आई थिंक पहली बार एक फिल्म करते हो, जब आपको पता भी नहीं था कि आपको एक्टर बनना है, उसका एक्सपीरियंस, और फिर दिल बेचारा के सेट पर जब आप एक यूर 21 ईयर ओल्ड ग्रोन अप गर्ल, और अब आपने डिसाइड किया है कि हाँ यार जिंदगी में यही करना है, इसके लिए ट्रेनिंग लिया है, इसके लिए सोच समझ के ये डिसीजन लिया है, विच इज वाई अ फिल्म लाइक कड़क सिंह गिव्स मी दैट बूस्ट पर्सनली के सही ट्रैक पे हो। लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे आप कड़क सिंह के लिए, जो ऑडियंस अभी देख रही है, क्या इंतजार कर रहे हैं? सर आपसे शुरू करूंगा। 8 दिसंबर को Z5 पे जाएं, पिक्चर देखें, दादा बताइए। इट्स अ गुड फिल्म, वॉच इट, यू विल लव इट। आई थिंक वॉच इट टू स्टे ऑन द एज ऑफ योर सोफा, डोंट सिंक इनटू इट, बिकॉज़ इफ यू ब्लिंक यू विल मिस। 8 दिसंबर आपके नियरेस्ट मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन पर Z5 पर। थोड़ी चाय और ना, अब भैया ठंडी हो गई, अब क्या पिलाऊंगा।